एक सेतु राम सेतु आप लोग बना रही है जो मजहबों को जो जोड़ने का काम कर रहा है। जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि ये जो नया सेतु बन रहा है हिंदू मुस्लिम अमान के बीच में एक नई कड़ी जुड़ रही है और सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शांति आए, अमन आए और सारे लोग आपस में मिलजुल करके एक साथ रहे, क्योंकि सभी लोग जब तक एक साथ मिलकर के नहीं रहेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। और प्रभु श्री राम ने हमेशा सबके बारे में सोचा और सबको साथ लेकर के वो चले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जाति के लोग हो, तो सबको वो साथ में लेकर के चले। और उनका यही मकसद भी था कि सारे लोग एक साथ होकर के एक एकता के सूत्र में बन करके रहें। और प्रभु श्री राम ने हमको जो संदेश दिया है उनके यहाँ पे हम सभी मुस्लिम बहनों ने और हिंदू बहनों ने मिलकर के महाआरती की है और बनारस हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया है और वो करता है। अयोध्या में 500 सालों के बाद मंदिर में रामलला साक्षात विराजमान हुए तो पूरी नगरी अयोध्या राममय हो गई। अयोध्या में रिकॉर्ड 25 लाख दिए सजाए गए और राम के आगमन की खुशियां जताई गई। और निश्चित तौर पर सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस वक्त राम के आगमन की खुशियां मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तस्वीरें वाराणसी की है। धर्म और आध्यात्म की इस नगरी में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल भी इस वक्त दिखाई पड़ रही है, क्योंकि राम किसी एक के नहीं बल्कि राम हर वर्ग के हैं, हर मजहब के हैं और हर धर्म के हैं। और यही कारण है कि मजहब की दीवारों को तोड़कर जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बुरखा नसी महिलाएं हैं, वो भी इस वक्त प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आरती उतार रहे हैं। और निश्चित तौर पर इससे खूबसूरत तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि 500 सालों के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद रामलला की जो अयोध्या में रामलला के मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब रामलला साक्षात विराजमान हो गए हैं। और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि आम आदमी है वो भी यहाँ पर है, शिक्षाविद है और संत समुदाय के भी जो लोग हैं वो इस वक्त इस राम की जो महाआरती हो रही है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बालक दास जी हमारे साथ हैं। बालक दास जी क्या कहेंगे, एक अनूठी तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। राम तो सबके हैं और यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं भी आज राम की आरती उतार रही हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से भगवान राम जो है सबके पूर्वज हैं, वो कोई भी हो, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, कोई पंथ अलग हो सकता है, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लोग अलग अलग ढंग से पूजते हैं। हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में कितने लोग अलग अलग ढंग से किसी भूतों को पूजता है, किसी काली को पूजता है, तो उसी प्रकार से इसी मुस्लिम भी अपने पंथ को पूज सकता है, लेकिन पूर्वज भगवान राम ही सबके हैं। आज नहीं अनादि काल से सबके भगवान राम ही पूर्वज हैं, इसलिए आज जो है दीपावली के पावन पर्व पर मुस्लिम परंपरागत आज पूरा देश पूरा लोग जान चुके हैं कि नहीं यही एक सहारा है। आज जहां जहां लड़ाई हो रही है मुस्लिम देशों में देखिए वो भी समझ रहे हैं कि नहीं हमको राम के शरण में ही जाने से शांति मिलेगी, इसलिए आज आप पूरे दुनिया को देख पा रहे हैं कि बिगर राम के सहयोग से कोई होने वाला नहीं है। शांति अगर कायम करना है फिर विश्व में तो राम राज लाना ही होगा और बगैर राम के वो परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए आज राम जी की आरती समझ राम जी की आरती हो रही है। हमारे साथ राजीव श्रीवास्तव जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गुरुजी 500 सालों के बाद रामलला साक्षात विराजमान हुए हैं मंदिर में, मौका खास है, पूरी अयोध्या नगरी को हमने देखा कि 25 लाख दियों से सजाया गया था और एक तस्वीर हम यहाँ भी देख रहे हैं, वाराणसी में भी देख रहे हैं, मजहब की दीवारों को गिराकर जो सभी वर्गों की जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पर रामलला की आरती कर रही हैं। किस तरीके से आप इस पूरी तस्वीर को देखते हैं? देखिए, जहाँ एक तरफ हिंदू और मुसलमानों में नफरत चरम पे लोग बढ़ा रहे हैं, तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं पर मुस्लिम महिलाएं ये संदेश दे रही हैं कि भगवान श्री राम सबके पूर्वज हैं, भगवान श्री राम आदि अनंत हैं, वो सभी पंथ मजहब धर्म से ऊपर हैं, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, तो भारत की सांस्कृतिक आत्मा प्रभु श्री राम है, तो इसलिए आरती सभी लोग कर रहे हैं और आरती करके राम सेतु बना रहे हैं। एक समय राम सेतु लंका से भारत के बीच में बना था, आज राम सेतु हिंदू और मुसलमानों के दिलों के बीच में बन रहा है। ये प्रेम मोहब्बत सौहार्द शांति की स्थापना का ये प्रयास है और पूरी दुनिया जहाँ युद्धरत है, अगर ये राम सेतु बन जाएगा वहाँ के नागरिक राम का चरित्र पढ़ेंगे, वहाँ के लोग राम राज्य का प्रयास करेंगे तो स्वतः शांति आ जाएगी, तो दुनिया में जरूरत किसकी हो।
केवल एक ही नाम है पूरी दुनिया में राम का नाम, जो शांति ला सकता है। तो ये मुस्लिम महिलाएं राम नाम के दीपक के सहारे नफरत के अंधियारे को खत्म करने का प्रयास कर रही है। तो राम सेतु बनाने की जरूरत है, और एक राम सेतु त्रेता युग में भारत और श्रीलंका के बीच में बना था, और आज जो ये राम सेतु बना है वो लोगों जो खासतौर से समाज में तो तमाम जो आस्था जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके बीच उनको जोड़ने के लिए एक राम सेतु बनाया जाता है। वाराणसी में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। दीपोत्सव के मौके पर न सिर्फ हिंदू महिलाएं बल्कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भगवान राम की महाआरती उतारी। तो निश्चित तौर पे एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि 500 सालों के बाद रामलला साक्षात विराजमान हुए हैं, अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और इसके बाद 25 लाख दीयों से पूरे अयोध्या को रोशन किया गया था, और उसकी खुशियां सिर्फ अयोध्या में ही बल्कि पूरे देश में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। नजवा जी, किस तरीके से आप लोग इस खुशियों में शरीक हो रही हैं? एक राम सेतु त्रेता युग में बना था अयोध्या भारत और श्रीलंका के बीच में, और आज एक सेतु राम सेतु आप लोग बना रही हैं जो मजहबों को जो जोड़ने का काम कर रहा है। जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है कि ये जो नया सेतु बन रहा है हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में एक नई कड़ी जुड़ रही है, और सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शांति आए, अमन आए, और सारे लोग आपस में मिलजुल करके एक साथ रहे, क्योंकि सभी लोग जब तक एक साथ मिलकर के नहीं रहेंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। और प्रभु श्री राम ने हमेशा सबके बारे में सोचा और सबको साथ लेकर के वो चले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जाति के लोग हो, तो सबको वो साथ में लेकर के चले। और उनका यही मकसद भी था कि सारे लोग एक साथ होकर के एक एकता के सूत्र में बंध करके रहें। और प्रभु श्री राम ने हमको जो संदेश दिया है उनके यहाँ पे हम सभी मुस्लिम बहनों ने और हिंदू बहनों ने मिलकर के महाआरती की है, और बनारस हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता आया है और वो करता है। राम किसी एक के नहीं है, राम हर किसी के हैं, हर मजहब के हैं, हर पंथ के हैं। आप लोगों ने किस तरीके से भगवान राम की आज आरती उतारी है? जी, हमने इसलिए आरती उतारी है यहाँ पे आकर कि हम ये प्रूफ कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई बटा हुआ नहीं है। आज हम राम नाम की आरती में इसलिए शरीक हुए हैं कि हम लोगों को दिखा सके कि हिंदू मुस्लिम हम सब बहनें सब एक हैं जितने भी हैं, और हमारा यही है मुसलमान हम मुस्लिम बहनाएं जो हैं, इस्लाम का नाम ही मोहब्बत का पैगाम है, तो हम मोहब्बत का पैगाम फैलाएंगे, ना कि ये सब अफवाहें फैलाएंगे कि हिंदू मुस्लिम। और मोहब्बत का पैगाम इन दीयों के माध्यम से पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। जी, सबसे पहले तो हम अपनी खुशी जाहिर करना चाहेंगे कि आज 550 साल बाद अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जा रही है और प्रभु श्री राम वहाँ विराजमान है, तो हम सब उसके लिए बहुत खुश हैं कि एक बार फिर वहाँ पर दीप जगमगा रहे हैं। और आज जो आप तो साक्षी भी बनी थी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप वहाँ लगातार जाती हुई थी राजवीन जी, किस तरीके से आज पहली दीपोत्सव है उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद? जी, पहली बार वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो पहली बार दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारे आराध्य थे, वो वहाँ पर विराजमान हुए हैं, और पुनः लग रहा है कि जैसे त्रेता में हम लोग चले गए हैं और वहाँ पर दीपावली मनाई जा रही है जब भगवान राम वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे, वैसा ही लग रहा है, अनुभूति हो रही है कि इतने सालों बाद प्रभु श्री राम अयोध्या पुनः लौटे हुए हैं। क्या कहेंगे आबा जी, आपकी मुस्लिम जो बहनें हैं वो आपके साथ प्रभु राम की आरती उतार रही हैं? जी, दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर मैं काशी से ये संदेश पूरी दुनिया को देना चाहती हूँ कि हमारे काशी से हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम हमारी बहनें हैं वो भगवान श्री राम की पूजा आरती करके हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देना चाहती हैं, और ये हम बताना चाहते हैं उन कठमुल्लाओं को, उन रूढ़िवादियों को जो ये नफरत फैलाने का देश में प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारी मुस्लिम बहनें जिस तरह का कदम उठा रही हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरे देश में संकेत भी है कि आज मजहब के नाम पर कोई लड़ता नहीं है, बल्कि मजहब के नाम पर हर कोई एक होकर दीपोत्सव में शामिल हो रहा है और जो खुशियां हैं वो मना रहा है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नवभारत।